पाकिस्तान भी सोच रहा होगा कि उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। शायद पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच पे 476 बना के डिक्लेयर किया था, फिर भी बांग्लादेश से हार गया था वो मैच, वो भी 4 दिन में। इधर बांग्लादेश से बैटिंग नहीं हो रहा इंडिया के साथ ठीक से। अगर आज आप सुबह का 1 घंटा देखो तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश बहुत सॉलिड बैटिंग कर रहे हैं, और मुझे लग रहा था कि शायद टी तक ये मैच जाएगा। मुझे पता नहीं था कि लंच से पहले भी, लंच से बहुत टाइम पहले मैच खत्म हो गया था, लेकिन सुबह का अगर 1 घंटा देखो लग रहा था कि शायद टी तक मैच जाएगा, क्योंकि शंटो और शकी बहुत सॉलिड लग रहे थे। रन इतना ज्यादा नहीं आया लेकिन विकेट नहीं दे रहे थे। इनफैक्ट सिराज का जो फर्स्ट स्पेल था आज का दिन का, बहुत लंबा स्पेल था और एक भी विकेट नहीं आया था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि रोहित शर्मा विकेट के लिए सिराज को 1-2 ओवर एक्स्ट्रा भी दिया है ताकि विकेट लेके दे, लेकिन विकेट नहीं आया था। इनफैक्ट सिराज खुद फ्रस्ट्रेट होके शंटो को गाली दे रहा था। अगर आप सुबह का 1 घंटा, वो भी चौथे दिन, सिराज और बुमराह का पूरा एक एक स्पेल खेल लेते हो विदाउट गिविंग विकेट, इसके मतलब है आपने अच्छा बैटिंग किया, अच्छा टेम्परामेंट दिखाया है, जो बांग्लादेश के दोनों बैट्समैन ने किया भी है और सॉलिड लग रहा था तब तक। लेकिन जो आज अगर आप पिच देखो ना, जहां से जडेजा बॉलिंग करा था जिस एंड से, उधर लेफ्ट दो, क्योंकि दोनों ही बैट्समैन लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, उनके एग्जैक्टली सामने गुड लेंथ एरिया पे एक राफ पैच बन गया था पेसर्स के फुटमार्क की वजह से। उधर से जब जडेजा बॉलिंग निकल रहा था उस एंड से, बैट्समैन एक बार भी कंफर्टेबल नहीं था। ऐसा लग रहा था कि भगवान भरोसे डिफेंस कर रहे थे, बहुत बार बीट भी हुआ है और बच भी रहे थे। मतलब विकेट हालांकि अश्विन ने ज्यादा लिया है, लेकिन आज सबसे बेहतरीन बॉलिंग जडेजा ने किया, और जडेजा को खेलना बहुत ही मुश्किल था। एक भी बार नहीं लगा कि बैट्समैन थोड़ा सा भी कंफर्टेबल है जडेजा के अगेंस्ट। बेहतरीन बॉलिंग किया जडेजा ने। इनफैक्ट शाकिब डिसाइड भी करता है कि जडेजा के बॉल पे, जब बॉल रफ पे पिच हो रहा है, तो बॉल टर्न होने से पहले कदमों का इस्तेमाल करके शॉट खेल लेगा, और एक बार आगे भी बढ़ता भी है। बॉल इतना ज्यादा टर्न और बाउंस होता है कि शकीब तो बीट होता ही होता है, इनफैक्ट ऋषभ पंत भी बीट हो जाता है, वो अपने ग्लव्स को एडजस्ट नहीं कर पाता, इतना एक्स्ट्रा बाउंस था। एक स्टंपिंग का चांस था, लेकिन अगेन इंडिया के पिचेस पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि जब ऐसा हो जाता है पिच, तो स्पिन के अगेंस्ट विकेट कीपिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और ऋषभ पंत ने पहले से तो अपने विकेट कीपिंग वर्क में बहुत ज्यादा काम किया है, लेकिन ध्रुव जुरेल जो इंग्लैंड वाला सीरीज था ना, उधर पिच ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि स्पिनर्स को बहुत ज्यादा टर्न मिल रहा था। अगर आपको याद होगा तो उधर ध्रुव जुरेल ने कुलदीप यादव, क्योंकि कुलदीप का बॉल बहुत ज्यादा टर्न होता है, हाथ से पड़ना भी बहुत मुश्किल है, अक्षर पटेल अश्विन तीनों के अगेंस्ट ध्रुव जुरेल ने बेहतरीन कीपिंग किया था, जो थोड़ा बहुत शायद ऋषभ पंत लैक करता है टेस्ट मैच पे, वो है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा और इंप्रूव करे अपनी ग्लव्स वर्क, बस उतना ही। बाकी तो ऋषभ पंत को कहने के लिए कुछ है भी नहीं। फिर विकेट आ नहीं रहा था, फिर दोनों एंड से स्पिन आ गया था, एक तरफ से अश्विन एक तरफ से जडेजा, और अश्विन मानना पड़ेगा जिस पिच पे, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं स्पिनर्स के लिए एक्सपीरियंस। जब अश्विन बैटिंग करना, जिस एंड से अश्विन बॉलिंग करने आया था, उधर तो कुछ था भी नहीं, उस एंड से कुछ रफ पिच नहीं था। अश्विन आता है बॉल जहां शकीब को लगा कि ज्यादा टर्न होगा, उतना ज्यादा टर्न नहीं हुआ है। अगर आप देखो शकीब जिस लाइन पे खेल गया, वो बैट बॉल के पाया नहीं था, इनसाइड एज शॉर्ट लेग पे अच्छा कैच जसवाल का। एक बार शकीब आउट हुआ तो मुझे लगा कि बांग्लादेश का माइंडसेट यही था कि लंच से पहले ऑल आउट होके वापस चले जाते हैं, आराम से लंच करेंगे, फिर होटल जाके सो जाएंगे, टाइम वेस्ट का फायदा नहीं है, ऐसे भी मैच हारना ही है तो क्यों पूरा दिन तक मैच को खींचू, टायर्ड ही होना है, अपने बॉडी को क्यों इतना टायर्ड करवाना है, एग्जॉस्ट नहीं करवाना है खुद को, लंच से पहले आउट होके वापस चले जाते। थोड़ा सा भी सीरियस लग नहीं रहा था कोई भी, क्योंकि लिटन दस आया था उसके बाद, और लिटन दस का डिफेंस मुझे समझ भी नहीं आया, बॉल ठीक से पिच भी नहीं हुआ था। जडेजा राउंड कर रहा था, बॉल ठीक से पिच भी नहीं हुआ, इससे पहले लिटन दस का बैट नीचे आ गया था, बॉल गिर के टर्न हुआ है, आउटसाइड रोहित शर्मा के लिए इजी कैच। उसके बाद आता है मेहंदी हसन मिराज, अरे भाई करके रहा था, अश्विन के बॉल पे विद द स्पिन छक्का मारने जाता है। मैं लिटरली कह रहा हूं, बांग्लादेश ने प्लान बना के आया था कि शाकिब एक बार आउट हुआ तो उनको पता था कि ये मैच ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, फालतू का टाइम वेस्ट करके, एनर्जी वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं है, लंच से पहले ऑल आउट हो जाते। मेहंदी हसन मिराज अश्विन के अगेंस्ट विद द स्पिन छक्का मारा जाता है, बैट पहले घूम जाता है, टाइमिंग थोड़ा सा भी नहीं था, और एक इजी कैच है, सिराज ने वो कैच पकड़ा। उसके बाद एक शांटो बचा था, और शांटो ने काफी अच्छा बैटिंग किया, हमने कल भी कहा था कि शांटो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट से आया है, बहुत अच्छे स्ट्राइक के साथ बैटिंग कर रहा था। अगर आप एक चीज नोटिस करो, शायद हमारे बैट्समैन टेस्ट मैच पे इतना ज्यादा स्वीप या फिर रिवर्स स्वीप खेलते नहीं है, लेकिन जो भी टीम बाहर से आते हैं उनके बैट्समैन 50% रन स्वीप या रिवर्स स्वीप से बनाता है। शंटो एक के बाद एक स्वीप, एक के बाद एक रिवर्स स्वीप मार रहे थे। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने एक फील्डर भी रखा था केएल राहुल को शंटो की स्वीप पे रन आने का बंद करने के लिए, फिर भी शंटो को गैप मिला था, वो ज्यादा फाइन खेल रहा था, तो देख के अच्छा लगा, थोड़ा बहुत बैंड डकट के याद आ गया। 82 बनाया शंटो ने, काफी अच्छा बैटिंग किया, जब उसने देखा कि 8 विकेट गिर गया, अब कुछ बाकी नहीं है,
मैं जल्दी से जल्दी सेंचुरी मार लेते थोड़ा बहुत। अगेन जडेजा का बॉल था जो गुड लेंथ पे था, फुल लेंथ तो था नहीं और थोड़ा आउटसाइड ऑफ था, दूर रह गया था, आउट ऑफ रिच था उस पर बड़ा शॉट खेलने के। अगेन बुमराह का बेहतरीन कैच था वो। हमने कहा भी था कि इंडिया का फील्डिंग बहुत अच्छा रहा है इस पूरे मैच पे। पहले हम हर एक टेस्ट मैच में एटलीस्ट 5 to 6 कैच ड्रॉप करते ही करते थे। अगर आप इंग्लैंड वाला सीरीज भी देखो उधर भी हमने बहुत सारे कैचेस ड्रॉप किया है। इनफैक्ट सेना कंट्रीज में जाके तो एटलीस्ट 8-9 कैच हम ड्रॉप करते करते स्लिप पे। ठीक है, इस बार विजिट आ गया तो देखना पड़ेगा कैसा फील्डिंग होता है, लेकिन इस मैच पे बेहतरीन फील्डिंग किया इंडिया ने, बेहतरीन फील्डिंग किया सब, हर एक कोई अच्छा फील्डिंग किया है। बुमराह का एक बेहतरीन कैच था, उसके बाद एक बार शांत आउट हुआ, फिर अश्विन एक तरफ से, दूसरी तरफ से जडेजा ने पूरी टीम को आउट कर दिया। 234 पे ऑल आउट बांग्लादेश, 280 रन से इंडिया मैच जीत जाता है। 280 रन, बहुत सारे पॉजिटिव्स है इंडिया के लिए इस मैच पे। थोड़ा बहुत कंसर्न्स भी है बांग्लादेश के लिए, शायद इतना ज्यादा पॉजिटिव्स नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। पहले इंडिया के पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव्स है। एक तो पहले इनिंग्स पे जिस तरीके से ऋषभ पंत और जसवाल ने मैच्योरिटी दिखाया और एक पार्टनरशिप बिल्ड किया, जब इंडिया ऑलरेडी 34-3 था, क्योंकि जसवाल थोड़ा सा अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, लेकिन उस वक्त पहले इनिंग्स अगर देखो वो बहुत आराम से कामली बैटिंग कर रहा था, थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड करने को देख रहा था। सेम फॉर ऋषभ पंत, जब विकेट गिरा रन नहीं आ रहा था वो रन बनाने के लिए देख रहा था। तो ह्यूज पॉजिटिव कि आपके यंगस्टर्स अगर ऐसा कर दे तो आपको एक बिलीफ आता है कि कभी बड़े बैट्समैन रन नहीं बनाएगा फिर भी ये लोग रन बना के दे सकते हैं। सेकेंड, पहले इनिंग्स पे जो अश्विन जडेजा ने किया है, वन सेकेंड ब्रिलियंट 190 रन का पार्टनरशिप, जब एक टाइम पे 144-6 था, उधर से 190 रन का पार्टनरशिप अगर आपके लोअर ऑर्डर के बैट्समैन बना दे, मतलब बहुत ह्यूज है। और मुझे लगता है वो पार्टनरशिप गेम चेंजिंग मोमेंट था इंडिया के लिए। अगर वो पार्टनरशिप नहीं होता तो शायद इतना कंफर्टेबली इंडिया मैच जीतता नहीं और शायद बांग्लादेश अभी भी गेम में होता। तो इंडिया इतना ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गया था सिर्फ उस पार्टनरशिप की वजह से। अगेन मैं फिर से कह रहा हूं कि अश्विन मुझे लगता है कि टेस्ट मैच पे इंडिया का बिगेस्ट मैच विनर है, कोई डाउट ही नहीं है। पूरे मैच पे 112 रन बनाए, 6 विकेट लिए, 6 विकेट, पहले इनिंग्स विकेट नहीं आया था, इसने 6 विकेट, 37 बार फाइफर ले चुका है टेस्ट मैच पे, 37। शेन वॉन भी शायद 37 टाइम ही लिया, उनके ऊपर बस एक ही बॉलर है वो है मुरलीधरन, वो तो बहुत दूर है मुरलीधरन, उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन अश्विन दूसरे नंबर पे है, 37 बार 5 विकेट लिया टेस्ट मैच में, एक इनिंग्स में 112 रन, 6 विकेट, ब्रिलियंट। थोड़ा सा जो अश्विन का एक जो नेगेटिव साइड है वो है कि शायद थोड़ा बहुत फील्डिंग में इंप्रूवमेंट चाहिए, और सेना कंट्रीज में बाहर जाके अच्छा करे, बाहर जाके उतना ज्यादा बेटर स्टेट्स नहीं है अश्विन का, उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है। इसलिए आपने देखा भी होगा पिछले कुछ सालों से जब हम सेना कंट्रीज में जाते हैं टेस्ट मैच खेलने तो हमारा फर्स्ट जो है जडेजा रहता है, अश्विन को हम कभी कभी प्लेइंग 11 से बाहर कर देते हैं। और मुझे इस बार देखना कि क्या अश्विन को ये लोग खिलाएंगे हर एक मैच, जब हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में 5 मैच है, क्या 5ों मैच में अश्विन को खेलने का मौका मिलेगा या फिर जडेजा अक्षर ही खेलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। थोड़ा बहुत अश्विन उस ट्रेजेक्टरी पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर सकता है, लेकिन अनडाउटेडली वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर, अगर बैट से भी इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, यू हैव टू बिलीव दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर में भी अश्विन का गिनती होता है टेस्ट मैच पे, और वो बेहतरीन है। लोग ज्यादातर बेन स्टोक्स की बात करता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो शाकिब, हालांकि हाल फिलहाल में शाकिब का फॉर्म खराब है, लेकिन जडेजा बहुत आगे टेस्ट मैच में, तो बेन स्टोक्स से बहुत आगे, क्योंकि बेन स्टोक्स पिछले 3-4 साल से बॉलिंग भी नहीं डाल रहा है, विकेट भी नहीं ले रहा है, बेन स्टोक्स वो इफेक्टिव रहा ही नहीं। जैसे कि सेम शेन वॉटसन एज एन ऑलराउंडर आया था, फिर धीरे धीरे बॉलिंग करना छोड़ी थी इंजरी की वजह से, सेम गोज फॉर बेन स्टोक्स। हालांकि क्लच मोमेंट में बहुत अच्छा करता है, लेकिन बेन स्टोक्स एज ए बॉलर, जडेजा एज ए बॉलर, बहुत रात दिन का डिफरेंस है। जडेजा का इंपैक्ट टेस्ट मैच पे बेन स्टोक्स से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। रन बना रहा है, पिछले अगर 4-5 साल का स्टैट्स देखो जडेजा का, बैटिंग एवरेज 42, बॉलिंग एवरेज भी 24-23 है, और इससे ज्यादा क्या करके दे सकता है, 86 रन बना के दिया आपको। फिर जडेजा ने पहले इनिंग्स में 2 विकेट, इस इनिंग्स में 3 विकेट, 5 विकेट लिया, 86 रन, 5 विकेट, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडिया के लिए। और जब तक आपके पास जडेजा अश्विन है, आपको हराना इंडिया में बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत मुश्किल। इंडिया को हराना इंडिया में जब ये 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगा, इनके बिना भी जीत नहीं पा रहे थे इंग्लैंड। जडेजा शायद 2-3 मैच में नहीं था इंजरी की वजह से, अश्विन भी एक इनिंग्स के लिए शायद उनकी उसकी मम्मी की तबीयत खराब था तो चला गया था, फिर भी इंग्लैंड से हुआ नहीं, तो उनके साथ जीता तो बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद जो कुछ पॉजिटिव्स रहे, अगेन हमारे पेसर्स ने बहुत अच्छा किया है पहले इनिंग्स पे, जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे वो सिराज हो, सब इम्प्रेसिव थे। सेकेंड इनिंग्स में भी बहुत सारे पॉजिटिव्स है, अगेन ऋषभ पंत का बैटिंग बेहतरीन नॉक खेला है 109 रन का, शुभमन गिल का सेकेंड इनिंग्स में फॉर्म अगेन ब्रिलियंट। जो थोड़ा सा कंसर्न है ना वो है कि विराट कोहली का फॉर्म और केएल राहुल का फॉर्म, उस उन दोनों को छोड़ के मुझे भी कोई भी मेजर कंसर्न नहीं नजर आता है। बहुत जरूरी है कि विराट कोहली फॉर्म पे आ जाए, हालांकि आजकल लोग
बहुत बातें कर रहे हैं कि विराट कोहली इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया इसलिए रन नहीं आ रहा है, उनका कंसेंट्रेशन ही नहीं है क्रिकेट में। देखो वो पर्सनल चॉइस है, मैं पर्सनल चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जो परमानेंटली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो इंग्लैंड में अपना बेस बना लिया, वो इंग्लैंड परमानेंटली शिफ्ट हो गया, उसका इम्पैक्ट विराट कोहली की क्रिकेट पे 2% भी नहीं हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2% भी इम्पैक्ट नहीं है उसका। जो लोग इतना बड़ा के बात कर रहे हैं कि उसकी वजह से विराट कोहली रन नहीं आ रहे, 2% 2% इम्पैक्ट नहीं, आप लिख के रख लो कि 2% इम्पैक्ट नहीं उस चीज का। विराट कोहली खराब इसलिए कर रहे हैं टेस्ट मैच पे क्योंकि लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस है और स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, यही दो चीज फैक्टर है, इंग्लैंड वाला चीज कुछ है ही नहीं। ऐसे तो मतलब कोई भी कहीं से भी ट्रेवल करके खेलने आते हैं, है ना, इसका मतलब यही नहीं है कि जो भी बाहर से खेलने आते हैं, इंग्लैंड से जो इंग्लैंड का टीम है जो बाहर से इंडिया में खेलने आते हैं, वो थोड़े कहेंगे अरे हम तो इंडिया में रहते ही नहीं इसलिए हमसे बैटिंग नहीं होता है। आप एडजस्ट करते हो, विराट कोहली इतने साल इंडिया में खेल के बड़े हुए, वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर द वर्ल्ड क्रिकेट एवर सीन, इंडिया का बेस्ट बैट्समैन, शायद वर्ल्ड का भी बेस्ट बैट्समैन है तीनों फॉर्मेट में मिला के। अगर उसको 1-2 महीने में वो शिफ्ट, 1-2 महीने पहले वो शिफ्ट हो, अगर 1-2 महीने में शिफ्ट होने में इतना फर्क आ रहा है तो फिर तो क्रिकेटर ही नहीं था ना कभी। इंग्लैंड वाला चीज का मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इतना ज्यादा ट्रेवल कर इतना गैप आ गया, लेकिन उसका 2% इम्पैक्ट नहीं है विराट कोहली की बैटिंग पे। ठीक है, तो मैच के दौरान वो प्रैक्टिस कर रहा था, कल शायद नेट प्रैक्टिस कर रहा था मैच के दौरान जब इंडिया बैटिंग कर रहा था, थोड़ा बहुत। अगर वो लगातार खेल जाएगा ना टेस्ट मैच, वो फॉर्म पे आ जाएगा। वो मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि बांग्लादेश का सेकंड मैच में सेंचुरी आ रहा है। अगर बांग्लादेश के साथ सेकंड मैच में विराट कोहली सेंचुरी नहीं आएगा तो आप लिख के रख लो न्यूजीलैंड वाले सीरीज पे 2 सेंचुरी आने वाले हैं। एक तो सेंचुरी आने वाला है बांग्लादेश के अगेंस्ट सेकंड मैच में, अगर वो नहीं आए तो न्यूजीलैंड वाले सीरीज में 3 मैच है ना, उसमें 2 सेंचुरी विराट कोहली का आप लिख के रख लो, लिख के रख लो। थोड़ा बहुत गेम से दूर रहेगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है स्पिन के अगेंस्ट, अगर वो डाटा एनालिस्ट से बात करेंगे, थोड़ा बहुत कोचेस से बात करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। मतलब विराट कोहली इतना बड़ा बैट्समैन, अगर सिर्फ एक कंट्री से दूसरे कंट्री शिफ्ट होने में इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता तो कभी बड़ा क्रिकेटर बनता ही नहीं, टू वेरी ऑनेस्ट। फिर वो बाहर जाके परफॉर्म नहीं कर पाता, कह रही ऑस्ट्रेलिया गया विराट कोहली खेलने, अभी अभी इंडिया से उड़ के आया है, ऑस्ट्रेलिया के कंडीशन के बारे में पता ही नहीं, कैसे कहां से रन बनाएगा, ऐसा नहीं होता ना। 2014 वाला ऑस्ट्रेलिया से सबको याद ही होगा कितना रन बना के आया, 2018 वाला इंग्लैंड से सबको याद होगा कितना रन बना के आया उधर, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि माइंड बिल्कुल ही शिफ्ट हो गया है, थोड़ा सा लैक ऑफ कंसेंट्रेशन क्रिकेट में है, थोड़ा सा लैक ऑफ आउट ऑफ फोकस है, वो ठीक हो जाएगा जब वो ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलेंगे। और मुझे लगता है क्योंकि 10 मैचेस का अभी साइकिल इंडिया का 10 टेस्ट में आने वाला है, तो विराट कोहली विल डू ग्रेट। आप लिख के रख लो बांग्लादेश के सेकंड मैच में, फिर से कह रहा हूँ सेंचुरी आने वाला है, या फिर न्यूजीलैंड वाले सीरीज में विराट कोहली का टेस्ट में 2 सेंचुरी आएगा, आप लिख के रख लो। सेकंड जो कंसर्न है वो है केएल राहुल का। अगेन मैं हमेशा कहता हूँ केएल राहुल का माइंडसेट का प्रॉब्लम है, मतलब टेक्निकली तो बहुत साउंड है और केएल राहुल हमेशा प्रेशर में रहता है, हमेशा प्रेशर में, खुद को हमेशा वो प्रेशर में रखता है, और जो दिखता है उसकी बॉडी लैंग्वेज पे। केएल राहुल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो सेकेंड मैच पे रन बनाए, एटलीस्ट 50+ 100 नहीं चाहिए, एटलीस्ट 50+ स्कोर आए एटलीस्ट एक इनिंग्स पे, बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। अगर केएल राहुल सेकंड मैच में रन नहीं बनाता है, ऊपर से अगर न्यूजीलैंड में 3 मैचेस है उसमें न्यूजीलैंड के साथ, उसमें अगर 2 मैचेस में रन नहीं आता ना 4 इनिंग्स में, तो मान लो केएल राहुल ड्रॉप हो जाएगा। अब लिख के रख लो वो ड्रॉप हो जाएगा बीजेडी से पहले, शायद स्क्वाड में रहेगा लेकिन प्लेइंग 11 से ड्रॉप हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर केएल राहुल नेक्स्ट 3 मैचेस यानी बांग्लादेश के साथ 1 मैच, न्यूजीलैंड का 2 मैचेस में रन नहीं आता ना बिल्कुल भी 6 इनिंग्स पे, तो वो ड्रॉप हो सकता है, शायद सरफराज या अक्षर पटेल उसको रिप्लेस कर देगा। तो केएल राहुल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो रन बनाए, और केएल राहुल हमेशा वो प्लेयर रहा है जिसको हर एक पॉइंट पे प्रूव करना पड़ता है कि हाँ मैं रन बनाया मुझे टीम में रखो, वो कभी भी फिक्स नहीं हुआ है। पहले अगर 1-2 साल छोड़ दो जहाँ पे वो बहुत अच्छा कर रहा था, अलग ही प्लेयर था वो, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस ही ऐसा है उसका, मतलब वो दिमाग के साथ खुद के दिमाग के साथ खुद खेलता है, ठीक है, इतना अच्छा प्लेयर है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो यही दो कंसर्न है, विराट कोहली का फॉर्म और केएल राहुल का फॉर्म। रोहित शर्मा का फॉर्म मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कंसर्न है, रोहित शर्मा जब चाहेगा वो रन बना लेगा, मुझे ऐसा लगता है। रोहित शर्मा जो रियल टेस्ट होगा वो बीजेटी में होगा कि ऑस्ट्रेलिया में वो क्या करता है एज ए कैप्टन भी और एज ए बैट्समैन भी, क्योंकि बहुत जरूरी है ऑस्ट्रेलिया में जाके कि एज एन ओपनर वो रन बनाए, बहुत जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पहले 1-2 घंटा खेलना अगेंस्ट द पेसर्स बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उधर रोहित शर्मा का इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। उधर अगर रोहित शर्मा अच्छा कर लेता है, देयर इज नो डाउट इन दैट, पिछले 2 साल से मैं पहले भी कह रहा हूँ रोहित शर्मा हमारे टेस्ट में भी बेस्ट बैट्समैन रहा है, तो कुछ डाउट ही नहीं है। बाकी तो कुछ कंसर्न नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के लिए भी कुछ मतलब लिमिटेड कुछ पॉजिटिव्स है कि जैसे हसन महमूद ने बॉलिंग किया है, जैसे तस्किन ने बॉलिंग किया है, नाहिद राणा मुझे लगता है कि पाकिस्तान में उसने जितना इम्पैक्ट डाला था उतना इम्पैक्ट इंडिया में डाल नहीं पाई, इस हालांकि एक ही मैच हुआ है लेकिन
पाकिस्तान के पीछे ज्यादा फ्लैट था उधर, उसने अच्छा किया। इंडिया के पीछे जो पहला वाला पीसर चपक बोला वो पीसर्स को इतना ज्यादा मदद दे रहा था, फिर भी उसने अच्छा नहीं किया क्योंकि लाइन ऑन लेंथ बहुत ही खराब था, बहुत ज्यादा शॉर्ट डल रहा था या फिर बहुत ज्यादा फुल डल रहा था। मैं चाहता हूँ कि ना इतना अच्छा करे, मैं चाहता हूँ क्योंकि बेहतरीन टैलेंट है, वो अच्छा करेगा तो अच्छा लगेगा, देखने में मजा आएगा। लेकिन फिर भी पॉजिटिव से क्योंकि पेसर ने जैसे जिस तरीके से बॉलिंग किया, जिस तरीके से इंडिया के बैट्समैन को फंसाया है पहले इनिंग्स पे, बहुत कम देखने को मिला कि बांग्लादेश के पेसर्स इंडिया को इतना ट्रबल कर रहा है। शांटो का थोड़ा बहुत फॉर्म लगा है जो अच्छा बात है, क्योंकि शायद 10 इनिंग्स बाद शांटो ने 50+ स्कोर बनाया बांग्लादेश के लिए टेस्ट मैच में, विच इज वेरी गुड। सेकंड इनिंग्स पे जितना पॉजिटिव माइंडसेट से बांग्लादेश आया था कि रन बनने को दिख रहे थे, इवन शांटो ने मैच के बाद कहा भी है कि हम कभी भी टारगेट के बारे में सोच नहीं रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि हम रन बनाए, जो बहुत अच्छा पॉजिटिव है कि आप रन बना के जाओ। थोड़ा बहुत दोनों ओपनर्स ने भी अच्छा स्टार्टिंग दिया था, शांटो को भी रन आया, थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। शाकिब को थोड़ा बहुत अच्छा करना पड़ेगा, बॉलिंग से भी कुछ इंपैक्ट दिख नहीं रहा है, बैटिंग से भी कुछ इंपैक्ट दिख नहीं रहा है, पिछले कुछ टाइम से ही हुआ है। T20 वर्ल्ड कप में शाकिब ने अच्छा नहीं किया है, थोड़ा बहुत मेच्योरिटी दिखाना पड़ेगा सबको, थोड़ा बहुत अच्छा गेम प्ले बना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कुछ गेम प्ले था ही नहीं, एक बार जब 141/6 जब अश्विन और जडेजा आया था मैच में, उनके पास कुछ गेम प्ले नहीं था, प्लान बी नहीं था कि इन दोनों को रोके कैसे। अगेंस्ट सेकंड इनिंग्स में जब ऋषभ पंत और गिल बैटिंग कर रहे थे, बहुत डिफेंसिव कैप्टनसी था शांटो से, थोड़ा बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आई होप कि बांग्लादेश थोड़ा बहुत फाइट तो दे, थोड़ा बहुत फाइट तो दे, क्योंकि वरना मजा ही नहीं आता यार। जो मजा पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज पे आया है, सिर्फ इसलिए नहीं हमें मजा इसलिए सिर्फ इसलिए नहीं आया कि पाकिस्तान हार गया, इसलिए भी मजा आया कि बांग्लादेश ने अच्छा क्रिकेट खेला है। अच्छा क्रिकेट खेलने में मजा आता है। अगर आप देखो कि अफगानिस्तान बहुत बार हारता भी है, लेकिन जब हारता ना तब भी अच्छा लगता है कि अच्छा क्रिकेट खेल के हारा है, तो मिसिंग था इस मैच में। पहले दिन अगर आप निकाल दो, बाकी 3 दिन बांग्लादेश से वो अच्छा क्रिकेट मिसिंग था। तो मैं चाहता हूँ कि सेकंड टेस्ट में बांग्लादेश अच्छा करे, मैं चाहता हूँ अच्छा करे, जीते ना हार जाए लेकिन अच्छा करे, एटलीस्ट ऐसा लगे कि खेलने आए इधर इंडिया में। तो मैं सोच रहा था कि किसको शायद रेस्ट दे सकते, एक तो बुमराह, मुझे लगता है बुमराह को पक्का रेस्ट दे देंगे क्योंकि एक मैच हम जीत भी गए। बुमराह को रेस्ट देंगे तो शायद जो बॉलर अभी है वही लोग खेलेंगे प्लेइंग 11 में, सिराज, आकाशदीप और शायद यश दल, अगर आपने चूज किया उसको तो एक मैच खेला जाना चाहिए। दूसरा मुझे पता नहीं, क्योंकि KL राहुल को तो आप रेस्ट नहीं सकते, उसका रन ही नहीं, ठीक है। आप शुभमन गिल को भी रेस्ट देना नहीं चाहोगे, अभी भी सेंचुरी बनाया है लेकिन टेस्ट में अभी भी उतना अच्छा किया नहीं है, तो आप चाहोगे कि उसका फॉर्म कंटिन्यू रहे वो और एक दो मैच खेले। रोहित शर्मा कैप्टन है, वो रेस्ट तो लेगा नहीं। जसवाल, जसवाल को अगर रेस्ट देंगे तो ओपनिंग करने कौन आएगा, है ना। मुझे लगता है कि जसवाल को भी रेस्ट देंगे, विराट कोहली चांस ही नहीं मिलता रेस्ट देने का, तो शायद ऋषभ पंत को रेस्ट दे सकता है क्योंकि ऋषभ पंत का जो टेस्ट का बैटिंग फॉर्म है बहुत अच्छा है, अभी दोनों इनिंग्स पर अच्छा किया है, तो ऋषभ पंत को रेस्ट देकर धूप जुड़ को ट्राई करवा सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि धूप जुड़ ने अच्छा किया है। एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि अगर कभी ऋषभ पंत इंजर्ड हो जाए, टच आउट ना हो, ऐसा हो जाए कि इंजरी है या फिर तबियत खराब है, तो ध्रुव जुड़ जब खेले ऐसा ना लगे कि बहुत मत खेलने आए, तो मुझे लगता है कि ध्रुव जुड़ को प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए, स्क्वाड में तो अभी भी है। बाकी लगता नहीं है मुझे यार जडेजा, हाँ शायद जडेजा को रेस्ट देके अक्षर पटेल को खिला सकते एक मैच, हो सकता है अश्विन को भी रेस्ट देके कुलदीप को खिला सकते एक मैच, लेकिन जडेजा अश्विन दोनों को एक साथ रेस्ट नहीं देंगे, लेकिन देखते क्या करेंगे। लेकिन स्क्वाड में मुझे नहीं लगता कोई भी चेंजेस होगा, एक बुमराह जा सकता है, बुमराह जाएगा तो किसको वापस बुलाएंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना कुछ खास किसी ने डिलीवर में किया भी नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। एक जो बॉलर है आप याद रखना, आकिब खान, दिलीप ट्रॉफी का थर्ड राउंड अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, कल वीडियो आ जाएगा, लेकिन आकिब खान ये नाम आप याद रखना, बहुत बड़ा बॉलर बनने वाला है। मुझे पता नहीं व्हाइट बॉल में कितना अच्छा करेगा, लेकिन रेड बॉल में बहुत बड़ा बॉलर बनने वाला है आकिब खान। क्या टैलेंट है यार, जो पेस नहीं उसके पास बिल्कुल भी, 125-126 में रहता है, लेकिन जो बॉल स्विंग होता है, स्पेशली इन स्विंग, राइट हैंडर्स के लिए इन स्विंग, लेफ्ट हैंडर के लिए आउट स्विंग, बेहतरीन बॉल था, बेहतरीन बॉल करता है वो, हाथ से बॉल तक खूबसूरत जाता है, देख के लगता है कि अभी स्विंग होने वाला है, बेहतरीन बॉलर है। और मुझे लगता है कि आकिब खान का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, मुझे देखना है कि IPL में उसको कितने में खरीदते हैं अभी, क्योंकि लास्ट टाइम शायद वो LSG का नेट बॉलर था आकिब खान, जितना मुझे याद है नेट बॉलर था, किसी ने खरीदा नहीं। लेकिन आकिब खान मुझे तो चाहता हूँ कि उसको टेस्ट मैच तो एक दो मैच खिलाए, हालांकि इंडिया के पास इतने टैलेंट है तो बहुत मुश्किल है कि किसी को भी रिप्लेस कर दो। आपको तभी मौका मिलेगा जब कोई इंजर्ड है या फिर किसी का तबियत खराब है, क्योंकि अगर कोई रेस्ट भी दे रहा है ना तो उनके बैकअप में भी बैकअप है, तो बहुत सारे प्लेयर्स इंडिया में तो चांस मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आकिब खान क्या टैलेंट है यार, मैं देखना चाहूंगा। अगर बुमराह जा रहा है बाहर मान लो, और स्क्वाड में एक चेंज करना है आपको, कोई पेसर को लाना है, तो मैं तो आकिब खान को लाऊंगा, ठीक है। विद्वत कवरप्पा, क्योंकि एक ही मैच खेला शायद, इस मैच में उसको बिठा के रखा है। हर्षित राणा, अब मुझे लगता है कि रेड बॉल क्रिकेट में इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो हार्ड लेंथ को ज्यादा हिट करता है, स्विंग ज्यादा खास नहीं है उसके पास, तो शायद व्हाइट बॉल ज्यादा अच्छा करेगा।
तो रेड बॉल में हर्षित राणा मुझे तो लगता है कि अभी के लिए नहीं, खलील को भी वो लोग चूज कर सकते, लेकिन ऑलरेडी यश दहल है तो और एक लेफ्ट हैंडर को क्यों लाएगा, है ना। तो यश दहल तो मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में आना चाहिए, ध्रुव जुरेल, यश दहल, ये दो, और शायद अक्षर पटेल, कुलदीप में कोई एक, इन तीन में से कोई एक शायद सेकंड टेस्ट खेल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि स्क्वाड में ज्यादा चेंजेस होगा सेकंड टेस्ट के लिए, जो ऑलरेडी स्क्वाड में शायद उनमें से एक दो को खेलने को मौका मिल जाए प्लेइंग 11 में। बाकी मैं ज्यादा देख नहीं रहा हूँ, दिलीप ट्रॉफी का वीडियो कल आ जाएगा, देखते हैं कि कौन दिलीप ट्रॉफी जीतता है, शाम तक पता लग जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।